आखिर। नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय दिलेश। मैं नीरज आपको लेकर आया हूँ विक्रम ब्लॉक में, और हमारे साथ आइए आपको मिलवाते हैं उत्तरी के जिला पार्षद के भावी उम्मीदवार उमेश साहू जी से, जाएंगे महेश साहू जी से, और इनका क्या विकास, किस एजेंडा के साथ इस बार मैदान पर उतरेंगे। सर, किस एजेंडा के साथ आप इस बार पंचायत में अपने उतरिएगा? क्षेत्र में विकास के उद्देश्य से उतरेंगे। हमारा नाम महेश साहू, ग्राम बघा कोल हुआ, जिला परिषद में उम्मीदवार हैं उत्तरी से। आगे जो आगे जिला परिषद जीते हुए थे वो कार्यकारिणी अच्छा ढंग से नहीं किए, कोई से दुख सुख में साथ नहीं हुए। वो ऐसा है कि दुख सुख में जो साथ है, विकास करे, उनको लोग अच्छा मानते हैं, अच्छा मान के चलते हैं। उसी उद्देश्य से हम यहाँ चुनाव में उतरे हैं। काश शैली की बात करें जिला पार्षद की, तो उनकी विकास के बारे में क्या कहेंगे, क्या जनता इस बार आपके साथ उतरेगी? जनता हमारे साथ उतरेगी, है जमीन से जुड़े हुए हैं, जनता हमारे साथ में है। जीतने के बाद आप अपनी जनता के लिए क्या करेंगे, जरा हमारी चैनल के माध्यम से आप बताने का कष्ट करें। जनता के लिए विकास करेंगे और उनका दुख सुख में भी साथ रहेंगे। जो भी जनता का सेवा बनेगा वो पूरा तहे मन दिल से करेंगे। सरकार से जो भी मदद काम मिलेगा वो जनता के बीच में पहुंचाएंगे। आप अपनी पंचायत में किन किन अभी तक विकास नहीं हुआ है? बहुत सारा बाकी है। पंचायत में घूम रहे गांव-गांव, घर गली गली, लोग हमारे जो सहयोगी हैं, जो जनता है, वो कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है। जिला परिषद जो हैं उनको से विकास नहीं हुआ है, आप विकास करके दिखाएं। पूरे साल काल में भी बात की जाए तो भावी मुखिया जिला पार्षद उम्मीदवार हमारे साथ है और इनका काम नहीं हुआ है। हमारी जीतने के बाद विकास की गंगा बहेगा। और बात की जाए कोरोना काल, जो इस महामारी से काफ़ी लोगों की मौतें भी हुई है, लेकिन कोरोना काल में इन्होंने अपनी जान की न परवाह करते हुए अपने लोगों के बीच रहे और लोगों को मदद भी किए। आइए जानते हैं क्या मदद हुई है कोरोना कालों में इनके तरफ से। सर, आप चुनाव में आए हुए हैं, कोरोना काल में आप काफ़ी मदद किए हैं मुझे मालूम है, और सभी लोग कह रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या मदद किए हैं आप अपने पंचायत को कोरोना काल में? घर घर गए हैं, देखे हैं, दुख सुख के साथ रहे हैं। जो हमारे सहयोग बना वो उतना किए, बाकी सब कोई टीका लगाने के लिए जागरूकता किए, टीका लग रहा है। जो जागरूकता, मास्क जो बांटना था वो मास्क बांटे, जो अभी भी सबको जाते हैं क्षेत्र में घूम रहे हैं, सबको, सब जनता को, माता बहनों को बोलते हैं, भाई बहनों को बोलते हैं कि टीका जरूरी है, टीकाकरण लगाइए। उत्साहित कर रहे हैं, लोग लगा भी रहे हैं अच्छा तरह से, और हर लोग के दुख सुख में साथ हैं। आइए मिलते हैं, यहाँ के ग्रामीण हैं, उनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है? मेरा नाम बिट्टू कुमार है। अच्छा बिट्टू जी, बताइए, भावी जिला पार्षद उम्मीदवार आपके क्षेत्र से आ रहे हैं, इन्हें 5 सालों में कोरोना काल में काफ़ी मदद की है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, यहाँ के अभी नए उम्मीदवार अभी उभरे हैं, अभी जहाँ तक हुआ है तहाँ तक बहुत ही अच्छा कार्य किए हैं, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे ऐसे लोग से मिलना है जुलना है, चाहे हमारे गाँव में हो, चाहे जिवाड़ में हो, और भी अदर जो गाँव है वहाँ तक भी पहुँचते हैं। पहुंचने के बाद जहाँ तक पहले कोरोना काल की बात करते हैं अपने गांव के, क्योंकि यहीं से हम हैं तो कोरोना काल की यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे कोरोना काल शुरू हुआ तो उस टाइम में लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, मास्क के लिए हो गया, साबुन के लिए हो गया, चाहे खाना पीना के लिए हो गया जी। बीच में ऐसा समय आया कि जैसे मतलब आदमी के पास, हर आदमी के पास तो जैसे सब आदमी एक जैसा तो है नहीं, किसी के पास खाने के लिए कमी है, चाहे किसी के कुछ है कमी है, जितना हुआ उतना ही मदद किया है, जितना उतना मदद किए हैं। राशन भी हम लोग बनवा दिए हैं, नहीं भी है तो गांव में कम से कम 500-600 राशन बनवाए हैं, राशन कार्ड बनवाए हैं। इनके साथ ही हम रहते हैं तो जिनका जितना काम रहता है वो हम ही करते हैं, और बना और सबको मिल भी रहा है। अपने वर्तमान जिला पार्षद के बारे में क्या कहेंगे, क्या विकास हुआ है आपके वर्तमान जिला पार्षद की तरफ से? देखिए, विकास की बात तो देखिए कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत होता है, यह सब जगह होता है, लेकिन कुछ काम जो ऐसा हो जाता है कि वो करना बहुत ज़रूरी है,
जो वो चीज नहीं हो पा, जनता के बीच में नहीं रहा, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए कोई भी काम है अगर हो रहा है तो वो ढंग से हो जाए, चाहे एक ही जगह हो तो वो ठीक से हो जाए। तो अभी एक जगह हो रहा है फिर अधूरा हो जाए तो उसमें फिर जनता नाखुश हो जाती है। अगर कर रहे हैं तो सब जगह कीजिए, नहीं कर रहे हैं तो उसको विकास नहीं हुआ, नहीं विकास हुआ ऐसा बात नहीं है, लेकिन पूरी तरह से नहीं हुआ, ठीक है ना। जनता नहीं, जनता के बीच में गैप ही नहीं किया। जनता जो वर्तमान जो जिला पार्षद है उनसे असंतुष्ट नजर आ रही है। हमारे सहयोगी आदर्श के साथ नीरज कुमार विजय, निदेश पटना। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स एंड ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा बिहटा पटना।